तत्पदं दर्शितं यमकृतापद सरोजराशीषपद सरो। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। इसी कड़ी में नेवालाल चौक बसंत विहार हनुमान मंदिर में भव्य आरती कराई गई। आरती में सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। राम भक्त अंकुश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रामलला के आने की खुशी में हम लोग भव्य आरती करवा रहे हैं और आने वाले हर साल हम लोग दो बार दीपावली मनाएंगे। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। इस बार हम लोग जो है दीपावली के तरह पूरे क्षेत्र को हम लोग सजाए हैं। बनारस से विशेष पंडित को बुला के संध्या आरती करवा रहे हैं और 10,000 आदमी का भंडारा का व्यवस्था किया गया है। 24 घंटा अष्टजाम, 24 घंटा रामायण का व्यवस्था किया गया है। पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया गया है। इस धर्म को मानने वालों के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? हर कोई अब राम को मान रहा है। दीपावली जैसा माहौल है? दीपावली जैसा माहौल है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राममय नहीं है। सारे व्यक्ति राममय हैं। हर कोई मान रहा है, हर कोई दीपावली की तरह मना रहा है और 22 जनवरी अब हमेशा दीपावली की तरह ही मनेगा। दीपावली दो बार हम लोग मनाएंगे। अच्छा, ये बात बताइए कि जिस तरह से हिंदू धर्म के लिए खासतौर से कहा जा रहा है कि ये दिवस एक दीपावली की तरह हो गया, आने वाले दिनों में एकदम अपने देश में कानूनी तरीके से हम लोग मंदिर का आज देख रहे हैं जो अयोध्या में बन रहा है और कानूनी तरीके से आने वाले समय में शांति से वो सब भी मंदिर भव्य तरीका से बनेगा। पूरा उम्मीदान है, एकदम उम्मीदान बनेगा ही बनेगा। तो क्या एक बार बोलेंगे जय श्री राम? जय श्री राम। क्या नाम है? अंकुश सिंह नाम हुआ मेरा। चलिए पूर्णिया। कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन्स, किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।